आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। सरकार द्वारा लगातार की जा रही महंगाई के विरोध में आज मथुरा में रालोद के नेताओं द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया है। जिसमें रालोद नेता ताराचंद गोस्वामी ने अपने शरीर पर हथकड़ी और पैरों में बीड़िया बांधकर डीजल और पेट्रोल की कीमतों को वापस लेने की मांग की। वहीं मोदी सरकार पर लोगों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया और कहा कि जब से बीजेपी आई है तब से पेट्रोल और डीजल के साथ साथ घरेलू गैस भी महंगी हो गई है, जबकि किसान तो सिर्फ डीजल और पेट्रोल से ही अपना ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता है, जिसके लिए अब काफी परेशानियां सामने आ रही है। और कहा कि जिस तरह श्रीलंका में पेट्रोल 40 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, उसी तरह से यहां भी सस्ता डीजल और पेट्रोल लोगों को मुहैया होना चाहिए। आप देख रहे हैं 55 महीनों में जितना पेट्रोल और डीजल का रेट मौजूदा सरकार ने बढ़ा दिया है, एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई और जीएसटी भी लगा दी गई, जबकि हमारे देश में खरीदा गया तेल लंका के अंदर 40 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल मिलता है और हमारे देश में ही 74 रुपए कहीं 78 रुपए। इस महंगाई ने आज इस किसान की, गरीब की, मजदूर की कमर तोड़ दी है। अब आप देख लीजिए कि किसान का काम सिर्फ डीजल से होता है, बुवाई से लेकर सिंचाई से लेकर मंडी में पहुंचाने का काम सिर्फ किसान ट्रैक्टर से करता है। जब डीजल इतना महंगा हो जाएगा तो किसान कैसे अपना अन्नदाता जो हमारे देश का है वो कैसे अपने अन्न को, सब्जी को, अन्न पदार्थ को पहुंचाएगा? दूध कौन देता है, सब्जी कौन देता है? सिर्फ किसान देता है। जब किसान के पास में डीजल नहीं रहेगा, वो भूखा मरेगा तो कैसे पहुंचाएगा? तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। और मोदी जी और योगी जी जो एक सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहती है गरीबों को, इन किसानों को, इसलिए हमने इस शरीर को जकड़ा है लोहे की जंजीर में। आम गरीब किसान बंध चुका है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कार्य कर नहीं सकता। हम लोग इसलिए दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी, आपके तो बच्चे हैं नहीं, आप क्या दर्द जाने। आप तो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, एक तरफ बेटियों के साथ में इस देश में अत्याचार हो रहा है। तो आज हम ऐसी पावन जन्मभूमि पर कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया था, हम लोग भी उस योगी को और मोदी को उपदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने लोहे की जंजीर में जकड़ चुके हैं, इसी प्रकार से गरीब और किसान जकड़ चुका है। वहीं महिला रालोद कार्यकर्ता ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि अगर हम घरेलू महिलाओं को पेट्रोल, डीजल और LPG गैस भी सस्ती नहीं मिलेगी तो आप ही बताएं कि हम कैसे अपने परिवार को चलाएं। और आज हमारे घरों की आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ने लगी है। ये डीजल पेट्रोल को लेकर ही हमने आंदोलन किया है और आगे भी यही हमारा जारी रहेगा। अगर ये इसकी हमारी मांग है ये पूरी नहीं हुई तो फिर भी हम आगे आंदोलन करेंगे। बड़े लोगों को उम्मीद थी ये डीजल पेट्रोल LPG गैस सबको लेकर ही हमने ये आंदोलन किया है। ये सिंचाई से लेके बुवाई फिर मंडी में अनाज लाने के हेतु ट्रैक्टर का ही काम है। इससे डीजल पेट्रोल इस पर सस्ता होना चाहिए। इस जो हमारी मांग है ये पूरी होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए। महंगाई बढ़ने से भाई साहब ये किचन में देख लो आप, 400 रुपए तो सिलेंडर 750 रुपए का कर दिया गया है। उसमें ये हमें ही मालूम है कि कैसे करते हैं, 750 रुपये किसी मजदूर पर हैं या नहीं है, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है।
कोई ये कहने के योगी जी के भाषण थे कि LPG वापस आती है, कोई सब्सिडी वापस नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, 750 रुपये कहाँ से लाएं, डीजल पेट्रोल ये महंगा सस्ता होना चाहिए। और हम केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल व घरेलू गैस की कीमतों को सस्ता किया जाए। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।